चंबा के कोविड अस्पताल में दाखिल कोरोना रोगियों से अब उनके परिजन मिल सकेंगे और उन्हें भोजन व अन्य सामग्री भी उपलब्ध करवा सकेंगे। मरीजों को अकेलेपन के कारण उत्पन्न हो रहे तनाव को देखते हुए मेडिकल कॉलेज प्रबंधन द्वारा इस व्यवस्था को शुरू किया गया है। इसके लिए मेडिकल कॉलेज प्रबंधन द्वारा 2:30 से 3:30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। इस समय अवधि में परिजन मरीजों से मिल सकेंगे। इसके लिए उन्हें कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। उन्हें पहले रोगी से मिलने के लिए समय लेना पड़ेगा। इसके लिए उन्हें कोविड अस्पताल चंबा में बनाए गए कंट्रोल रूम में आवेदन करना होगा। इसके बाद समस्त सुरक्षा एहतियात पीपीई किट, मास्क व दस्ताने आदि को पहनकर उन्हें अस्पताल में प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी। कोविड अस्पताल के अंदर उन्हें मरीज से तय दूरी बनाए रखनी होगी और यहां पर मरीज से मिलने के लिए परिजनों को 15 से 20 मिनट का समय दिया जाएगा। हालांकि अगर मरीज की हालत नाजुक है तो मिलने की अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। इसके अलावा मरीज के परिजन या रिश्तेदार यदि मरीज को घर का खाना या अन्य सामग्री देना चाहते हैं तो निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार दिया जा सकता है। इसके लिए पहले चिकित्सक से परामर्श लेना होगा। चिकित्सक के परामर्श के बाद मरीज को खाना उपलब्ध करवाया जा सकेगा। इसके अलावा परिजन या रिश्तेदार फोन पर भी मरीज का हाल जान सकेंगे। वन ही परिजन मेडिकल कॉलेज के कोविड अस्पताल में 6230683183 पर कॉल करके अपने मरीज के स्वास्थ्य संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं। 6230560047 पर कॉल करके मरीज से बात भी कर सकते हैं। इसके साथ कोविड अस्पताल में दाखिल कोरोना मरीजों को वीडियो कॉल के माध्यम से बात करने की भी छूट है। वहीं इस दौरान मेडिकल कॉलेज के कोविड अस्पताल में ज्यादा भीड़ न लगे इसके लिए 10-10 मिनट के अंतराल के बाद ही परिजनों को मरीज से मिलने के लिए भेजा जा रहा है। इसकी पुष्टि मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य रमेश भारती ने की। हिमाचल प्रदेश और चंबा जिला से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए चंबा हलचल का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज और वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। देखते रहिए चंबा हलचल।